हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका कुक विद शालू में। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए इंस्टेंट ये सब्जी बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं आलू की कतली से बनाई गई है। और ये देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार दिखाई दे रही है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो जब सब्जी बनाने का कोई ऑप्शन ना मिले ना, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, आप बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिलीशियस सी रेसिपी बनाना। आलू कतली की ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू की कतली, जो कि मैंने 4 से 5 आलू यहाँ पर लिए थे। उनको अच्छे से वॉश करके छील के और कुछ इस तरह के स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं। आप इनकी मोटाई देख सकते हैं, क्योंकि हमें इनको ज़्यादा बारीक नहीं काटना, नहीं तो ये गलने के बाद ना इस तरीके से कढ़ाई में चिपक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक भारी तली का कोई भी बर्तन लेंगे, जिसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच तेल। तेल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे चुटकी भर हींग। जैसे ही हींग चटकने लगे, हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी। साथ ही डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई करी पत्ता लीव्स, जिनसे इस सब्जी का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू की कतली डाल देंगे और जी इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बाकी कोई भी मसाला हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, लहसुन वगैरह या फिर प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपल सी रेसिपी है। इस तरीके से इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर। 3 से 4 मिनट के बाद लगभग हमारी जो ये कतली है वो अच्छे से गल चुकी होगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है, तो आप इसको फिर से 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आँच पर ढककर पकाइए। लेकिन मेरी ये कतली अच्छे से पक चुकी है, तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, और साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और हरी मिर्च भी हम यहीं पर इसमें ऐड करेंगे। इनको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद बाकी अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पर हमें अच्छे से यूज़ करना है, और इसको हमें ढककर पकाना है फिर से केवल और केवल 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए और उनकी जो खुशबू है वो आलू की सब्जी में अच्छे से फैल जाए। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट के बाद देखते हैं। और गर्मा गर्म अब हमारी आलू की कतली की सब्जी बनकर तैयार है, जिसको आप सर्व कीजिए पूरी के साथ, या फिर पराठे के साथ, या फिर रोटी के साथ, या फिर रोटी के अंदर ना रोल बनाकर, या पराठे के अंदर रोल बनाकर इसका बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। साथ ही अगर बच्चों का कुछ तीखा खाने का मन है सडनली, तो इसको आप तुरंत बनाइए, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके ऊपर दही डालकर और थोड़ी सी हरी चटनी डालकर चाट बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करना, जहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो जाइए, इंजॉय कीजिए रेसिपीज़ का। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।